जी हाँ दोस्तों नमस्कार, और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इन क्वेश्चंस में हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो आइए कैसे करते हैं। नंबर है 135 एंड 225, क्लियर। हमें पता है 225 इज़ ग्रेटर देन 135, तो जब भी ए ग्रेटर देन बी होता है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं If A is greater than B, then A is equal to BQ plus R, clear? और वहाँ पे जो remainder होता है हमारा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 225 को represent कर देंगे हम is equal to 135 into 1 plus 90, clear? अब देखो next step में हमारा जो 135 है वो बन जाएगा A और जो 90 है वो बन जाएगा B। तो हम यहाँ पे 135 को लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45, क्लियर। अब जो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा 90 है वो ए बन जाएगा और बी क्या हो जाएगा 45, तो 90 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, और हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है। और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया किसकी वजह से आया, 45 की वजह से, अब हमारा एचसीएफ आ गया कितना 45, क्लियर। बहुत ही इजी है, ठीक है। अच्छा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 255 है, क्लियर। अब यहाँ पे आप चेक करो कि जो हम 867 है वो ग्रेटर देन है किससे, 867 ग्रेटर देन 255, ठीक है। उसके बाद हम 867 को लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 860 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102, क्लियर। उसके बाद 255 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये ए बन गया, बी हमारा 102 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 255, क्या लिख सकते हैं, डिवाइड करोगे तो चेक करो 102 से डिवाइड किया तो 2 से आएगा, ये जाएगा 204 और हमारा आ जाएगा ये 51, क्लियर। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51, चेक कर लो आप, ठीक है अच्छे से। तो यहाँ पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ इसे, तो कितना आ गया हमारा बेटा 102 मल्टीप्लाई बाई कितना 2 प्लस 51, क्लियर। देखो दिख रहा है आपको सॉल्व हो चुका है हमारा क्वेश्चन, 102 हमारा ए हो गया, बी हमारा 51 इंटू 2 जैसे ही करेंगे ये हमारा 102 रिमाइंडर 0 हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा हमारा 51। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छी तरीके से, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं पिछली इंट्रोडक्शन की वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जांपल के तौर पे करा चुका हूँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो इसमें क्या है लिखा हुआ, एक आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। तो 32 मेंबर बैंड में हैं, ठीक है, और उन 32 मेंबर के पीछे 616 बंदे मार्च करेंगे, क्लियर। अब हुआ ऐसा है, कह रहा है कि अब देखो ये कॉलम में मार्च करेंगे, कॉलम मतलब जैसे माना पहले कॉलम में माना 2 है, तो 2 के पीछे दो दो ही रहेंगे सारे, तो अगर माना ये 2 रहेंगे तो आर्मी वालों को कितना यहाँ पर रहना पड़ेगा, आगे 32 है 2 into 16, तो ये तो हो गए बैंड वाले, और बाकी पीछे लाइन लगेगी 2 into 313। लेकिन यहाँ पे अभी जो पर्सन है 2 है, तो कह रही है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम इस हिसाब से करने की ताकि इनका बिल्कुल बराबर रेक्टेंगल टाइप में बन जाए, पेयर बन जाए, तो उसके लिए हमें इन दोनों का लेना पड़ेगा एचसीएफ, क्लियर। तो यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकालेंगे इन दोनों का, देखो तो हमें निकालना पड़ेगा इनका एस सी एफ ऑफ 616, 32। यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारा 616 और 32 का एस सी एफ निकालना, और आपको पता है यहाँ पे जो 616 है वो ग्रेटर है 32 से, तो हम लिख सकते हैं इसे 600 ग्रेटर है, तो हम इक्लूड तो बाय यूजिंग डिवीजन
लेमा ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 616 लिख सकते हैं 32 into 19 प्लस 8 क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो मैंने क्या बताया था इक्वल लेमा में कि ये हमारा ए हो जाएगा फिर ये भी जाएगा, तो 32 इज इक्वल टू जाएगा 8 into 4, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, इट मीन्स 8 हमारा एस सी एफ है। अच्छा और इसे समझते हैं क्या है ये, ठीक है। माना देखो इन्होंने बोला कि इनके पास कितने मेंबर थे, 32 मेंबर थे बैंड वाले, तो मैं बैंड वाले को येलो कलर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये बैंड वाले थे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर। ऐसे ही 8 मेंबर होंगे तो, और ये 4 कॉलम किसके होंगे बैंड वालों के, 8 4 4, ये इधर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ऐसी ये आर्मी वाले को मैं रेड कॉलम से बना रहा हूँ, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 और आर्मी वाले ऐसे लगेंगे, ठीक है क्लियर। और ये कितने ये ठीक है, और यहाँ पे ये कितने कॉलम होंगे आर्मी वालों के, ठीक है। ये आर्मी वालों के ये जैसे एक है ना, 2 3 4 5 6 7 8 मतलब बहुत सारे कॉलम होंगे, कितने कॉलम होंगे 8 into 4 32, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना है कितना 606 है ना, 616 को हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे किस 8 से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा 77 क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह से आर्मी बैंड माने ये येलो वाले हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये आर्मी वाले ये बैंड वाले हो गए, और ये रेड कलर से ये सारे कौन होंगे ये तुम्हारे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए था नीचे वाला। तो यहाँ पे हमारा जो एस सी एफ आया है, मतलब टोटल जो मेंबर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, ठीक है। तो मैक्स कितना है 8। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।